हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डार्क सीक्रेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे YouTube चैनल पर आपको हमेशा डेली एक ना एक आपको हेयर ग्रोथ के लिए वीडियोस आराम से मिल जाएंगी। हम हमारे चैनल पर हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल और हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी वीडियोस के साथ सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर के आते रहते हैं। सो आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन बाल बढ़ाने के नुस्खे, बालों को लंबा घना बनाने के नुस्खे, बालों को झड़ने से रोकने के नुस्खे और बालों से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उनसे सारे जो भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हैं आपको मिल जाएंगे। हम आपके लिए देसी नुस्खे और घरेलू नुस्खे लेकर के आते रहते हैं, जिनके निरंतर और कंटिन्यू उपयोग से आप अपने बालों को बहुत तेजी से लंबा घना मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ बालों की समस्याएं जैसे झड़ते बाल, रूसी वगैरह और दोमुए वाल आदि समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह बिल्कुल मुफ्त है। ऐसे ही हम आपके लिए आज एक अच्छा सा घरेलू नुस्खा लेकर के आए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कैसे नुस्खा तैयार करना है, कब तक यूज करना है और कैसे इसको बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जो नुस्खा हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो चीज हमें चाहिए वो है सरसों ऑयल। ना सिर्फ खाना बनाने और मालिश के काम आता है, कि इससे आपके बालों को बहुत तेजी से लंबा घना करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो गाइस, आप इसको कहीं से भी मंगवा सकते हैं, किराना शॉप से, जनरल शॉप से या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बशर्ते यह अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस नुस्खे में एक चम्मच जो है सरसों ऑयल ले लेंगे। सो यहाँ पर ले लेते हैं एक चम्मच सरसों ऑयल, देख सकते हैं आप, एक चम्मच ने यहाँ पर सरसों ऑयल ले लिया है। जो दूसरी चीज हम यहाँ पर ले रहे हैं गाइस वो है एलोवेरा जेल। गाइस, आपके बालों को स्मूदर, शाइनियर और हेल्दियर बनाता है। यह आपके बालों को ठीक तरीके से साफ कर देता है, कंडीशन करता है और आपके बालों में से गंदगी को दूर करता है। और यह बालों को आपके जो है नरिश करता है, मतलब बालों में नमी प्रदान करता है, जिससे बाल जो है और ज्यादा पोषक तत्व सूखने लगते हैं और बहुत तेजी से लंबे होने लगते हैं। सो मैं यहाँ पर पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रहा हूँ गाइस। तो आप चाहे ताजा भी ले सकते हैं या फिर किसी अदर ब्रांड का भी ले सकते हैं गाइस। तो हम यहाँ पर लेंगे एक चम्मच जो है, सो एक चम्मच हम यहाँ पर एलोवेरा जेल ले लेंगे गाइस। जब हम किसी नुस्खे में विटामिन ई यूज करते हैं गाइस, तो विटामिन ई जो है आपके नुस्खे को बहुत ही और ज्यादा पोषण से भर देते हैं, मतलब उसके नुस्खे की जो है पावर को डबल कर देता है। सो हम यहाँ पर जो है विटामिन ई, मतलब इवन 400 विटामिन ई कैप्सूल्स का यूज कर रहे हैं। तो गाइस, आप जो है इसको किसी किराना शॉप से या फिर किसी मेडिकल शॉप से या फिर ऑनलाइन परचेस कर लीजिए। विटामिन ई इवन के 400 ग्राम जो है, हाँ 400 mg के कैप्सूल्स, सो ले लीजिए आप किसी मेडिकल स्टोर से या फिर किसी किराना जनरल स्टोर से। तो आपको यह सिर्फ एक से दो इस रेमेडी में यूज करना है। तो हम यहाँ पर एक से दो विटामिन ई कैप्सूल यूज कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, यह ऑप्शनल है गाइस, कोई जरूरी नहीं है। सो गाइस, ये ऑयल जो एलोवेरा जेल हमने यहाँ पर लिया है, तो इनको करना है हमें मिक्स। सो गाइस, ऑयल और एलोवेरा जेल को ठीक से मिक्स करना है। मैं यहाँ पर एक एक चम्मच ले रहा हूँ दोनों को, तो आप चाहें तो दो दो और तीन तीन या चार चार चम्मच ले सकते हैं, बट आपको इसको जो है दोनों को इक्वल क्वांटिटी यानी बराबर मात्रा में लेना होगा। सो जब इसको मिक्स कर लेंगे गाइस, तो हो जाएगा हमारा नुस्खा तैयार। है नुस्खा जो तैयार हुआ है गाइस, इसको आपको अप्लाई कैसे करना है इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इसको गाइस आपको अपने हैश की जड़ों से लेकर सिरे तक गाइस 15 से 20 मिनट तक मसाज करनी है हल्के हाथों से। ध्यान रखिए, ज्यादा जोरों से या ज्यादा तेज से मसाज ना करें, हल्के हाथों से मसाज करें। और देन जब मसाज कंप्लीट हो जाए 10 से 15 मिनट तक, उसके बाद अपने सारे बालों में हल्के हाथों से गाइस इसको अप्लाई करना है। हल्के हाथों से बिल्कुल सारे बालों में अप्लाई करके छोड़ दीजिए 2 घंटे तक। 2 घंटे बाद आप चाहें तो शैम्पू कंडीशनर कर सकते हैं, या फिर नहीं भी करें तो बेहतर होगा। आप नेक्स्ट डे या फिर इसके यदि आप इसको सुबह यूज करें तो शाम को शैम्पू कंडीशनर कर सकते हैं, या रात में यूज करें तो सुबह शैम्पू कंडीशनर यूज कर सकते हैं। सो यह बहुत ही अच्छी रेमेडी, इसको कंटिन्यू यूज करेंगे आप हफ्ते में 3 से 4 बार, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। होप यू लाइक द वीडियो। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा।